गाजीपुर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी का है। इसमें अफजाल अंसारी आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि योगी सरकार की भावना से उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन ले रही है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये 14 अगस्त का है। अब अफजाल अंसारी अपने समर्थकों और दोस्तों के साथ अपने पैतृक आवास पर अपना 69वां जन्मदिन मना रहे थे। वायरल वीडियो में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई, कई ज़रूरतमंदों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, लोगों की ज़रूरतों की दवाओं को मुँह मांगे दाम पर ख़रीदने को मजबूर होना पड़ा। प्राइवेट अस्पतालों की तुलना स्लॉटर हाउस से करते हुए सांसद अंसारी ने प्राइवेट अस्पतालों को महंगे इलाज पर तंज किया। कोरोना काल में सरकार की तरफ से उठाए गए कदम पर तंज करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि कोरोना काल में इलाज के नाम पर लूट बेईमानी करते हुए आपदा को अवसर में बनाने का काम किया गया। अफजाल अंसारी ने देश में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही जैसा माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन को जरूरी करार दिया। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान और मुख्तार अंसारी पर एक्शन लेने के मुद्दे पर चर्चा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर सांसद अंसारी ने कहा कि इनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया है कि मुख्तार अंसारी का नाम जपते रहोगे तो वैतरणी पार हो जाएगी। अपने भाई मुख्तार अंसारी पर लिए जा रहे एक्शन को लेकर अफजाल अंसारी ने कहा कि ऐसा बर्ताव दुनिया में किसी ने भी अपने विरोधियों के साथ नहीं किया होगा।